हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, अब लगभग 40 दिन के आसपास का अपना समय रह गया और 40 दिन का जो हमारा पूरा जो समय है इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। आज से हमारा बिहार का भी सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और इसमें टाइम टाइम पे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आज हम लोग करेंगे, देखिए बिहार सरकार के इतने आगामी लक्ष्य हैं हम लोग ये देख लेंगे और सिमिलरली देखिए बिहार में विभिन्न जो महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनको भी देखेंगे। सारा वन लाइनर टाइप का रहने वाला, बहुत बेहतरीन रहेगा, इसको हम लोग फटाफट से देखते चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। फटाफट से देखिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लूँ। देखिए 69 BPSC को लेकर हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है मिशन कॉम्पिटिशन का। इस ग्रुप में के अंदर हम लोग क्या क्या देंगे आप लोग एक बार देख लीजिए। परफेक्शन मतलब जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ऑफलाइन कोचिंग्स के, इसमें परफेक्शन, IAS, आस्था, दृष्टि, डुटीरिया, ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं ऑफलाइन मोड में जो इन लोगों का प्रैक्टिस सेट होता है ये सारे यहाँ पे दिए जाते हैं। लगभग देखिएगा 60 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, फुल लेंथ, सेक्शनल, सब। डेली टारगेट्स अभी हमारा मंडे से ये स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग लास्ट 40 डेज़ को टारगेट करने चल रहे हैं। डेली टारगेट और क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हर रोज़ आपको टारगेट्स दिए जाएंगे और आप लोग जब ज्वाइन होइएगा आप लोग बता दिया जाएगा कौन कौन सा बुक प्रेफर करना है। मोस्टली अगर आपके पास क्राउन है या लूसेंट है उसको ही प्रेफर किया जाएगा और उसके साथ साथ जो हमारे करंट अफेयर्स मैगजीन रहेंगे उसको, और बिहार स्पेशल के यहाँ पे PDF और बुक्स मैगजीन्स का भी PDF यहाँ पे ग्रुप में दिया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है, प्रीलिम्स तक ये वैलिड रहेगा। 399 के वन टाइम पेमेंट आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, आप लोग को उसके बाद वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधे रोपण का जो लक्ष्य है ये देखिए 2023 से 24 तक का बिहार गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है, ठीक है। तो बिहार वन विभाग और मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधे को रोपित करने का, बिहार का GDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य यह रखा गया है 23-24 में। ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो चल रहा है इसमें 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 15.24, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के प्रपेक्ष से, यहाँ से सवाल आपका जरूर आ जाएगा। ये करंट का भी हो जाता है और इकोनॉमिक्स का भी हो जाता है। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक ये लक्ष्य टारगेट हासिल करने का जो है टारगेट रखा गया है। बिजली खपत 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि मान लीजिए अगर अभी 100% जो हमारा बिजली का जो आपूर्ति हो रहा है इसमें तापीय विद्युत का ही मात्रा ज़्यादा है, हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है नहीं, थर्मल पावर प्लांट ही है, तो उसमें से भी अब ये कोशिश किया जा रहा है 10% जो है सोलर एनर्जी पर बिहार डिपेंडेंट हो, 10% ध्यान रखिएगा, और 2023 के लास्ट तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भू सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का जो टारगेट है ये 2024 तक का रखा गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना, जब पटना जाइएगा देखिए वहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, इसको सितंबर 24 तक कंप्लीट करके ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है। बिहार के 7000 गांवों को दुग्ध शाकाहारी समितियों से आच्छादित करने का टारगेट ये 2024-25 के अंदर रखा गया, और बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर जो अभी ये लगवाना कंपलसरी हो गया है ना, आप अगर खुश रहिए ना रहिए हर किसी को लगवाना है ये 2025 तक, मतलब बिहार सरकार ने ये डाटा और ये विज़न प्रस्तुत किया है कि 2025 तक हम हर घर में स्मार्ट मीटर लगा देंगे। बिहार के निर्यातक को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का 2025 तक का टारगेट रखा गया है, और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा जो है 2025 यहां पे रखा गया है। टीवी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य, देखिए 2025 तक का लक्ष्य टीवी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही साथ देखिए हेपेटाइटिस का मामला बिहार में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हेपेटाइटिस को बिहार में अच्छे तरीके से कंप्लीट किल करने का जो टारगेट है ये 2030 तक का टारगेट रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक का रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% तक बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक। अब देखिएगा 2023 तक जो है ये बोला गया है, ऊपर में अभी हम लोग देखते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे 10% जो है ये मतलब 2023 में ये अचीव करना चाहता है बिहार सरकार कि अगर 100% हम लोग थर्मल पावर से जो बिजली रिसीव कर रहे हैं उसमें 10% सोलर एनर्जी का हो, लेकिन बोला जा रहा है 2030 तक 20% ये हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 2030 तक का टारगेट है 20% सोलर एनर्जी करने का, यानी 80% ही थर्मल से हम रिसीव करेंगे। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाने के लिए ये 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि तब तक हम लोग ये अचीव कर लेंगे। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार का जो है ये भी 2030 तक का है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझिएगा, मोस्टली जो बिहार के जो लक्ष्य और टारगेट हैं सारे 2030 तक ही हैं,
तो इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का टारगेट ये 2035 तक का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। ये 2035 तक इसको रिसीव करना है, अचीव करना है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का ये टारगेट इनका 2040 तक का भी है। तो देखिए जो भी डिफरेंट ईयर है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति देख लें। देखिए राज्यपाल की बात कर लें तो राज्यपाल हमारे बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता ही होना चाहिए भले पूछे ना पूछे, ठीक है। मुख्यमंत्री ऑब्वियसली हर कोई जानता है, 17वीं बार ये शपथ लिए हैं। उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तेजस्वी यादव हो जाएंगे 7वीं बार, नॉट 17वीं, माफ़ करिएगा 17वीं बोल दिया, 7वीं बार। हाँ जी, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, ठीक है। विधानसभा उपाध्यक्ष 17वें बने हैं, कौन? अवध बिहारी चौधरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, 17वें नंबर के, नंबर भी याद करना रखना है। उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष में विजय कुमार सिन्हा जी, ये नेता प्रतिपक्ष हैं। और विधान परिषद के सभापति 12वें कौन बने हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर जी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वे जी बने हैं। और विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी, ये नेता प्रतिपक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना, सम्राट चौधरी। मुख्य सचिव कौन है? तो आमिर सुबहानी, इन्हीं का रिसेंटली आप लोग देखते होंगे बार बार जो है ट्वीट वगैरह आता रहता है दरोगा की भर्ती वगैरह इस सबसे रिलेटेड। तो मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? आमिर सुबहानी जी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो जाएंगे। महाधिवक्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए, पी के शाही महाधिवक्ता हैं बिहार के। पुलिस महानिदेशक एंड DGP राजविंदर सिंह भट्टी, अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे थे, मुजफ्फरपुर में जो अभी एक हत्याकांड हुआ उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे थे। CBI की भी जांच की जो बात हो रही थी उससे पहले ये मुजफ्फरपुर खुद भी आए थे और सारा जो है मामला देखे थे। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास जी हैं। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूल चंद्र चौधरी जी हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिएगा, लोकायुक्त कौन है बिहार में? तो न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा जी। और महालेखाकार विमल बंसल जी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल प्रसाद, वी ऑल नो दैट, ये तो अभी अपने लिए हीरो हैं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम कर रहे हैं, तो वी ऑल नो दैट। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा जी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कुमार। और बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं शंभु कुमार सुमन जी। बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं तारकेश्वर प्रसाद। और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी, ठीक है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला का बात हो रहा है ना, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं ये, पहले जो है यहाँ पे VC हैं। तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कुछ मंत्री जो शामिल हैं उनके बारे में देख लीजिए। कैबिनेट मंत्री में पशुपति कुमार पारस जी हैं, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास हैं। यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है, सेंटर में ये लोग हैं बिहार के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जी हैं, है ना, BJP के ये मेंबर हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं RK सिंह, जो बिहार से हैं, ये विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यहाँ पे बने हुए हैं कैबिनेट में। राज्य मंत्री देख लीजिए अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामला खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से है। और नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय से इनका संबंध है, क्लियर। अब कुछ हम लोग जरा बिहार से रिलेटेड संबंधित पुरस्कार भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार करंट अफेयर्स में पूछता रहता है, इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम, चलिए इतना सही है। देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार के 6 हस्तियों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से 6 इनका नाम यहाँ पे दिया गया है, पढ़िएगा। कुमुद झा दीवानी, ये ठुमरी गायिका हैं, ये वर्ष 2021 के लिए इनको क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 के लिए जो है इनको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नीलेश्वर मिश्रा वरिष्ठ अभिनेता हैं, ये 2021 के लिए इनको ही मिला है। रंजना झा लोक गायिका हैं, इनको 2020 के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा, रंजना झा जी, इनको 2020 के लिए क्या मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड।
नेक्स्ट देखिए, मिथिलेश राय वरिष्ठ ये नाट्य निर्देशक हैं, यानी डांस डायरेक्टर हैं ये, 2020 के लिए इनको मिला है। और ऋषिकेश सुलभ नाटककार और रंगकर्मी हैं ये, 2019 के लिए इनको मिला है। पंडित प्रेम कुमार मल्लिक वरिष्ठ ध्रुपद गायक हैं ये, 2019 के लिए इनको मिला है। तो ओवरऑल देखिए टोटल 6 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे नोट करके दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के तहत 2019-20 और 21 यानी 3 साल के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऋषिकेश सुलभ सिवान को कथाक्रम सम्मान 2022 के लिए जो है ये संगीत अकेडमी पुरस्कार जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार ये दिया गया है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड एक बार देख लीजिएगा, ये मिला है गायत्री कुमारी को, और बिहार की ये ANM वर्कर हैं ये, ठीक है, यानी कि आशा वर्कर हैं बेसिकली बोल लीजिए। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों ANM वर्कर्स को 2022-23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मानित किया है। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला है, बिहार से, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड में सम्मानित किया गया और इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है गायत्री कुमारी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान सीहो मुजफ्फरपुर को मिला है, ये बबीता गुप्ता यहाँ से इनकी संबंधित है सीहो, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया है, ठीक है। अब देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हड्डा को मिला है, ये पंचरंग चोला पहरी सखी रे ये वाला बुक इन्होंने लिखा है, ठीक है, इनकी पुस्तक है डॉक्टर माधव हड्डा की। तो 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कंकरिया पुस्तक हम यहाँ थे बिहार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है अटल काव्य रत्न सम्मान, ये हिमकर श्याम जी को मिला है जो कि सारण से हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और इनकी बहुचर्चित किताब है, उस किताब का नाम है युद्धरत हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां को युवा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार ये दिया गया मैथिली ठाकुर को। मधुबनी की हैं, आप लोग देखते होंगे काफ़ी कम एज की हैं, सिंगर हैं ये, ठीक है। तो नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोकगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का ये पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिएगा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है, ये मधुबनी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2023 में मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी मधुबनी को, ये मधुबनी से हैं, इनको मिला है। कविता संग्रह है इनका ओल कतरा झोल कतरा, ठीक है, ओल कतरा झोल कतरा इनका कविता है, अक्षय आनंद सन्नी मधुबनी से हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 2022 के लिए दिया गया है कौन सा अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के लिए दिया गया उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली, ये सिवान से हैं, कविता जो है इनकी हौसलों की उड़ान है। और मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झा, ये भी मधुबनी से हैं, देखिए मधुबनी से ये 2023 और 2022 के दोनों जने हैं, और इनका कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है उड़नछू। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 2022 में दिया गया धीरज कुमार, ये बेतिया से हैं, वीरता के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और पल साक्षी जो हैं ये छपरा से हैं, सामाजिक सेवा के लिए इनको दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक बार देख लीजिएगा, सौरभ सुमन को दिया गया, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के ये शिक्षक हैं, इनको ये मिला है सौरभ सुमन जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। और साथ ही निशा कुमारी जी को मिला है, ये महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की ये टीचर हैं, शिक्षिका हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोट करके दिया गया है 5 दिसंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिएगा साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद मधुबनी से हैं ये, और पुस्तक है इनकी पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया, भोजपुर के हैं ये, और कविता संग्रह इनकी तुमड़ी के शब्द। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 का ये बोला जा रहा है जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु के लिए दिया गया है। अब देखिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी को दिया गया, और अंग्रेजी उपन्यास है इनकी आज़ादी की मैथिली के अनुवाद के लिए, ठीक है।
अंग्रेजी उपन आज़ादी का जो आज़ादी हिंदी का एक उपन्यास था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद के लिए इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देखिए मैथिली भाषा में नवकृष्ण एहिक को दिया गया और व्यंग संग्रह इनका है खुड़चन भाईक कछमछी, ठीक है, इनकी ये जो है संग्रह है। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 दिया गया है मिथिला भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा को, IIT पटना के अटल अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो काइंडली शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। धन्यवाद।